हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद शेख में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत में 1901 से लेके अब तक किस प्रकार से नगरीकरण हुआ और इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। यह टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने के कारण से इस टॉपिक से संबंधित 3 वीडियो बनाए गए हैं। टॉपिक को पूरा समझने के लिए आप इसके 2 वीडियो जो और है उनको आप अवश्य देखें। सबसे पहले हम देखते हैं कि नगरीकरण से हमारा तात्पर्य क्या है। नगरीकरण अर्थात शहरीकरण शब्द आमतौर पर जनसंख्या सघनता अर्थात डेंसिटी की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो उनको हम नगरीकरण या शहरीकरण जो है का नाम दे सकते हैं। सघन बस्तियों अर्थात सेटलमेंट के निवासी जहां बहुसंख्यक होते हैं तथा वे गैर प्राथमिक व्यवसायों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, यानी कि साथ में ही जो सघन बस्तियां हैं उनके निवासी गैर प्राथमिक कार्य है या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं और अपनी आजीविका वो प्राप्त करते हैं। वर्तमान में नगरीकरण को एक सूचकांक अर्थात इंडेक्स के रूप में भी माना जाता है, यानी कि जो विकास का सूचकांक इंडेक्स है उसके रूप में भी नगरीकरण को आधार के रूप में देखते हैं। आधुनिकीकरण और भौतिकता विकास को दर्शाता है, यानी कि ये नगरीकरण जो है वो आधुनिकीकरण को भी दर्शाता है और भौतिकता के विकास को भी दर्शाता है। नगरीकरण अर्थात शहरीकरण श्रम के परिवर्तन को भी दर्शाता है, यानी कि जैसे जैसे किसी भी कस्बे में नगरीकरण की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे वहां पर गैर कृषि कार्य करने वाले विशेष रूप से औद्योगिक कार्य सेवा कार्य व्यापार आदि कार्य करने वालों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ेगी और साथ में ये जो परिवर्तन है ये भी आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक शर्त जो है वो मानी जाती है। अब हम नगरीकरण का अध्ययन करने के साथ साथ में सबसे पहले ये देखने का समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में कब से किस प्रकार से जनगणना की शुरुआत हुई, क्योंकि किसी भी कस्बे में या किसी भी राज्य में कितने प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं उसका सही सही पता जनगणना के माध्यम से ही लग पाता है। सबसे पहले भारत में जो जनगणना हुई उसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में 1881 में पहली जनगणना भारत में संपन्न हुई और ये जो 1881 की जनगणना है ये 1872 में प्रारंभ हुई थी और जिसे 1881 में पूर्ण किया गया था। प्रत्येक 10 साल पश्चात जनगणना की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। भारत की 10 वर्षीय जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी, अब यह 2021 में होगी, यानी कि जो लेटेस्ट जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी उसके बाद में अब यह 2021 में संपन्न होगी। जो भारत की सबसे पहली जनगणना 1881 में हुई थी उसकी रिपोर्ट का जो कवर पेज है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करना है तो जनगणना की वेबसाइट जो है भारत सरकार की उस पर ये पूरी रिपोर्ट अवेलेबल है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारत की जनगणना जो 1901 में हुई थी उसका भी आप कवर पेज यहाँ पर देख सकते हैं और जो लेटेस्ट जनगणना अब जो 2011 में हुई थी उसका भी कवर पेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कवर पेज देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किस प्रकार से जो जनगणना हो रही है उसमें जो नई टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। यहां देखिए आप 1881 में और 2011 में आपको कवर पेज से भी अंदाजा लग जाएगा कि कितना परिवर्तन जो है वो टेक्नोलॉजी में हो रहा है। इसी प्रकार से 2011 की जनगणना हुई थी वो एक तरह से कागज पर आधारित थी, पेपर सेंसस थी। अब जो 2021 में जनगणना होगी वो पूर्ण रूप से
डिजिटल सेंसस होगी, यानी कि उसमें पेपर का प्रयोग कम किया जाएगा और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है या सॉफ्टवेयर है, उनके माध्यम से ये जो जनगणना है ये पूरी पूरी संपन्न होगी। अब हम देखेंगे कि भारत में 1901 से नगरीकरण का जो प्रतिरूप है वो किस प्रकार से उसमें बदलाव हुआ है। प्रथम जनगणना के पश्चात ही भारतीय जनसंख्या तथा नगरों के प्रमाणिक एवं व्यवस्थित आंकड़े मिलने प्रारंभ हुए थे, यानी कि जैसे ही भारत की प्रथम जनगणना 1881 में हुई उसके पश्चात से ही जो नगरों के प्रमाणिक जो आंकड़े हैं वो मिलने प्रारंभ हुए थे। 1881 की जनगणना के अनुसार भारत में केवल 9.3% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी, यानी कि 10% से भी कम जनसंख्या 1881 में नगरों में निवास जो है वो करती थी। यह दर मात्र 0.1% बढ़कर 1891 में 9.4% दर्ज हुई, यानी कि 1881 से लेके 1891 के बीच में केवल नगरीय जनसंख्या 0.1% बढ़ी और ये बढ़कर 9.4% हुई। यहां पर इस टेबल के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि 1901 में जो है वो भारत में लगभग 1915 जो है कस्बे थे, और ये संख्या बढ़ते बढ़ते 2011 में 7935 जो है वो हो जाती है। इसी प्रकार से 1901 में अर्बनाइजेशन जो है उसका परसेंट 10.84% था, जो 2011 में 31.16% जो है वो हो गया। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या 11.4% थी, जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 28.53 हो गई, यानी कि नगरों की जो जनसंख्या है वो लगातार 1901 से अब तक के उसमें वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। 2001 की जनगणना में प्रति वर्ष 2.76% की वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि 2001 की जनगणना में जो प्रति वर्ष की जो वृद्धि है वो 2.76% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, उसके एक सर्वेक्षण के अनुसार 2017 में यह 34% मानी गई है, यानी कि जो नगरीय जनसंख्या है ये 34% तक होने का अनुमान किया गया है। 1901 में भारत की कुल 1851 नगरीय अधिवास थे, जिसमें 2.58 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, यानी कि 1901 में भारत में कुल जो है 1851 नगरीय अधिवास या कस्बे थे, जिसमें लगभग 2.58 करोड़ जनसंख्या जो है वो निवास करती थी। इनमें से प्रथम श्रेणी अर्थात 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या मात्र 25 थी, यानी कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी वो 25 उनकी संख्या थी, और उस समय कोलकाता देश का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि जो कोलकाता की जो जनसंख्या है ये 14,88,323 थी, यानी कि लगभग 15 लाख आप मान सकते हैं, और ये उस समय देश की राजधानी भी था और एक प्रमुख बंदरगाह भी था। इसी क्रम में द्वितीय स्थान पर मुंबई, जिसकी जनसंख्या 8 लाख से अधिक, तथा तृतीय स्थान पर चेन्नई, जिसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख उस समय हुआ करती थी। यहां पर ही हम ये देख सकते हैं कोलकाता शहर की एक पुरानी तस्वीर, जिसको देखने से ये अनुमान लगता है कि उस समय शहर की जो बसावट जो है वो किस प्रकार से थी। और यहां पर इस तस्वीर में हम देखते हैं मुंबई शहर की एक पुरानी फोटो। इसी प्रकार से जो संयुक्त राष्ट्र है, यूएनओ, उसके एक सर्वेक्षण के अनुसार 2030 में भारत की नगरीय जनसंख्या का 40.76% आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करने की संभावना है, इनकी इसी प्रकार से 2030 तक
40% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करेगी, ऐसा यूएनओ का एक आकलन है। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक के अनुसार चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत 2050 तक दुनिया की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का नेतृत्व करेगा। यहां वृद्धि का नेतृत्व करने से तात्पर्य है कि जो नगरीय जनसंख्या है वो 2050 तक बहुत ज्यादा होने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत में तेजी से नगरीकरण जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि नगरीकरण का जो विस्तार है, प्रसार है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या बढ़कर 377 मिलियन जो है वो हो गई है। इसी प्रकार 2001 में 27.82% और 2011 में 31.14%, अर्थात इस दशक के दौरान नगरीय जनसंख्या में 3.32% की वृद्धि हुई, यानी कि 2001 से 2011 में भी नगरीय जनसंख्या में तेजी से वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि भारत के अलग-अलग राज्यों में जो नगरों की जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है। जो गहरे कलर में दिखाया गया है वहां पर प्रतिशत ज्यादा है, और जैसे जैसे यहां पर अलग-अलग राज्यों में कलर हल्का होता जाएगा वैसे वैसे जनसंख्या का जो नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत वो भी कम होता जाएगा। इसी प्रकार से इस मानचित्र में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। इस टेबल में भी 1901 से लेके 2011 तक के जो जनसंख्या है, या कुल जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, अर्बन जनसंख्या का प्रतिशत है, रूरल जनसंख्या का प्रतिशत है, नगरों की संख्या है, उनको इस टेबल के माध्यम से दर्शाया गया है। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1901 से लेके 2011 तक नगरीय जनसंख्या में बदलाव हो रहा है। जो शहर है बड़े, उनकी संख्या किस प्रकार से बढ़ती हुई दिखलाई दे रही है। यहां पर ये इस मानचित्र में दिखाया गया है कि जो भारत में मेट्रो सिटी है उसमें 1901 में एक था, और ये बढ़ते बढ़ते 2001 में मेट्रो सिटी की संख्या एक से बढ़कर 11 जो है वो हो चुकी है। इसी प्रकार इस मानचित्र में 2001 से लेके 2011 के मध्य जो मेट्रो सिटीज है उनकी जनसंख्या में किस प्रकार से वृद्धि हुई है उसको दिखाने का प्रयास जो है वो इस मानचित्र में किया गया है। इसी के साथ में ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन पुस्तकों का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आपको आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।